जी राम राम जी। तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग गाइस। तो गाइस काफ़ी दिन बाद व्लॉगिंग स्टार्ट कर लिया क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल में ना बहुत प्रॉब्लम आ गई थी। तो कुछ थे लोग जिन्होंने मुझे डिमोटिवेट करा बहुत ज़्यादा। एक तो घर में देख रहे हो, मेहनत देख रहे हो मेरी। तो गाइस आज हम जा रहे हैं फिटविला जिम और अपने सन्नी भाई के साथ और अपने अमन भाई के साथ। सन्नी भाई ने मुझसे कहा था कि संडे को उस पार्ट को ट्रेन करना जो आपका वीक पार्ट है, वीक पार्ट में आपको जिम में जाके बताऊँगा। तो फिटविला जिम में क्या हुआ था, मेरी एंट्री ख़त्म हो गई थी। ख़त्म नहीं हुई थी यार, मतलब मैं को अपने भाई से थोड़ा डर लगता है, डर नहीं थोड़ा शाय हूँ मैं अपने भाई से, शाय भी मतलब शर्म आती है क्योंकि मैं ज़्यादा वेट मारता हूँ ना, तुम्हें पता तुम्हारा भाई बॉडी बिल्डर है। तो क्या कहते हैं, अब वहाँ से मैंने एंट्री अपनी हटा दी थी, फिर भैया ने एंट्री ले ली थी। तो उसके बाद अब आज संडे छुट्टी है, भैया कहीं और गए हैं, तो अब जाएंगे जिम। पहले मैं सन्नी भाई को ले आऊँ, फिर अमन भाई को लेके और सीधा जिम। दोनों बॉडी बिल्डर से आपको मिलवाऊंगा, जो सबसे बेस्ट बॉडी बिल्डर है वो है अपने अमन यादव। ठीक है, तो तब तक के लिए प्यारा से बनाए रखो। हाँ जी गाइस, तो गाइस हम आ चुके हैं अपने सन्नी भाई के पास। सन्नी भाई है नहीं एक तो, सॉरी सन्नी आ गई है। ये हैं गाइस अपने सन्नी भाई का घर, ये देखिए, ये भाई की सबसे प्यारी गाड़ी खड़ी है ये वाली। अरे अपने भाई हैं बॉडी बिल्डर सन्नी पहलवान। हेलो गाइस, अरे तुझे पहन गाने किसने कहा था इसको? तारू तू उतार दूंगा ना मैं इसे। अच्छा अब तो व्लॉग में देख लिया ना, अब तो व्लॉग वालों ने देख लिया कि ये मेरी टी शर्ट है भाई, हम ऐसे ही चेंज करके पहनते हैं। सुन सागर कहाँ मिले हो? सागर यहाँ पे खड़ा हूँ। कहाँ? इधर में। होगी बात? ये गाइस चल ले, चलो चल ब्लैक बैग तो ले ले, अमन आ रहा विले काम लगा तो इले तो मिल जाएगा, बोल दूंगा पहले बैग तो ले लो, खड़ा भाग जाओगे। ठीक है, तो गाइस अभी हम जाएंगे पहले सागर भाई के पास जल्दी जल्दी, फिर उसके बाद हम जिम जाएंगे, उसके बाद हम जिम जाएंगे। ये सागर भाई जा कहीं जेड ब्लैक गाड़ी, जेड ब्लैक आजा हमारी माजा गाड़ी यार, ये बदतमीजी करो देख ले। तो गाइस अब हम पहले हैं सामान लेने, और सामान वामान लेने के बाद अमन को लेने के लिए अमन के बाद जिम जाएंगे। तुम हो रहा हो बहुत देर से कह रहा जिम जाएंगे जिम जाएंगे, इसकी जिम ही हाथ नहीं आ रही। तो गाइस अभी हम असला बारूद लेंगे ना, पता नहीं आएगा तुम्हें, देखो बैग में असला बारूद है। हाय बंद कर गाने ने में कॉपीराइट लग जाएगा। जो है ना घर घर रख के बैठो। हाँ गाइस तो अपना असला आ चुका है बिल्कुल शानदार। क्या क्या है बैग में? अरे बैग में बता भाई, बैग में एक तो प्रोटीन है और BCA और इनामिनिटी हैं। तो गाइस हम इनामिनिटी कर लेते हैं प्री वर्कआउट में। बताएगा थोड़ी पागल है क्या? उगस क्या बैठे कौन, ये चीजें बताई नहीं जाती। तो अब जा रहे हैं हम अमन के पास, एक बार अमन को फोन कर ले, नहीं तो सोसाइटी के बाहर आ गए एक मिनट में। तो अमन को जाने के बाद फिर चलेंगे जिम पक्का श्योरिटी के साथ। हाँ जी भाई, तो अपने अमन भाई आ चुके हैं, अपने सन्नी भाई आ चुके हैं। अमन भाई हाँ जी भाई, क्या करोगे आज भाई? आज व्लॉग बनाएंगे। भाई व्लॉग ना एक पेज को बोल रहा हूं भाई, थाई मारेंगे कल हमारी यार, एयरपोर्ट चले गए तो रिलैक्स करेगा। हां भाई हम तो, तू बता वीक पार्ट कौन सा हमारा? भाई मेरा तो भाई बैक है भाई, मेरा भाई ट्राइसेप्स है, मेरा भाई थाई है। थाई है भाई, थाई वीक है, थाई नहीं है ना। मैं क्या करेगा, मैं व्लॉग बनाऊंगा यार। बॉडी वॉश बोल को करते, अरे मैं लाऊंगा फेस वॉश लाऊंगा। नहीं यार स्टोर है का, स्टोर पर ले। अरे होटल में जा रहे हो कहीं, जिम करने जा रहे हो यार? मैं सन्नी भाई तो देख रहे हो, लौंडियां से बड़े नखरे हैं इनके। सन्नी भाई के गाना, सन्नी भाई देखिए उड़न तस्तरी मारेगी, देख तस्तरी ये उड़ती उड़ती जा रही है। मैं उतरते अपनी गलती मान लूंगा। गाइस हम पहुंचने वाले हैं जिम, अभी दिखाता हूं मैं अपनी जिम, और भाई मेरा हम कर दो लगा, आप पकड़ते पकड़ते फोन अभी।
ये है इस टावर में अपनी जिम। अगर गाइस इन्होंने हमारी एंट्री ले ली तो आप यहाँ पे आओ और मेरा नाम लो, आपको एंट्री मिल जाएगी, मतलब पैसे वैसे की। और अगर आप एंट्री नहीं ली तो मैं व्लॉग में बता दूंगा जिम में आना। ठीक है, हम तो डायरेक्ट जिम की पहले शूज चेंज करते हैं क्योंकि यहाँ चप्पल में अलाउड नहीं है। ओए सन्नी बता क्यों होता है ऐसा, मतलब यहाँ बाहर जूते क्यों पहनते हैं आगे हैं? भाई जो जो जिम देख रहे मतलब फिट हो जाते हैं, ब्लॉग देख रहा है ना, तुम्हारी जिम की बहुत बेइज्जती कर रहा है ना ना क्या है। और भाई लोग पकड़ने इसको एक बार बैठ जा तू सन्नी भाई, तुमने पहले हैं और ट्राई सर मारेंगे ना फिर के सब वीक पॉइंट करेगा ना भाई। राइट कौन, अरे तुम एक बार ट्राई सर सुनिए क्या, ट्राई सर ना भाई क्यों, ट्राई सर तो मार ली वादी ना भाई। हां टीम जीती है अभी, परांठे पहने ही ना। फिर मैं सोच रहा हूँ ऑमलेट खा लूँ एक। मेरे से भी ले लो ड्राई स्कूप मारियो पीरियड का, हां ड्राई स्कूप, हां सही कह रहा हूं ना, फंकी बहुत तगड़ा, फंकी 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 ऐसा प्रिय वर्क ऑर्डर भाई। तो प्यार हो तेरे ने, मैं तो थोड़े से पियो कैसा लगा, बेकार एक सुन ने प्रिय वर्क ऑर्डर दिया जिम में सुन वाले बट वाला प्रो बेट वाला ए बुलेट बुलेट कौन सा, मैं तो भाई मुंह धो के आयो जब वो ठीक बहुत तगड़ा खेल खेला आज, एक बहुत तगड़ा एक प्री वर्कआउट है जो कि इंडियन ब्रांड है, जो कि मतलब हम सजेस्ट करते हैं नहीं लेने, ठीक है। तो मतलब एक बार गलती से मैंने और सागर ने ले लिया था, फिर हमने सन्नी के साथ वो खेल खेला तो फिर सन्नी ने भी ले लिया था और आज वही खेल खेले हम अपने अमन भाई के साथ, ठीक है। तो एक बार चलते हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ प्री वर्कआउट लेता अमन भाई अपना। अमन भाई ले लिया प्री वर्कआउट, दिखाओ पहले कौन सा, एक बार पहले प्री वर्कआउट दिखाओ। लो भाई भाई ये प्री वर्कआउट है बहुत तगड़ा है भाई, ब्रांड कोलैबोरेशन नहीं कर रहे हैं, कोलैब कोलैब नहीं कर रहे भाई, हम मतलब ऐसे नॉर्मली बता रहा हूं, ऐसे फंकी मान लो, फंकी मान लो पूरी बढ़िया से, इतना तगड़ा टेस्ट लगाया ना भाई प्री वर्कआउट का, बहुत तगड़ा। अरे मेरा भैया घोल घोल, अरे ऐसे घोल ऐसे घोल ऐसे मुंह घोल मुंह बोल लो, टेस्ट कैसा थी बताइए, बढ़िया टेस्ट है, कुछ जोरदार है, जोरदार है। अरे पक्का अमन तेरा जोर एक और मत मारे, फिर तो तू मर जाएगा, और मार मारते ही देखो ले हो है कुछ नहीं, बहुत हल्को हल्को भाई, मैं ना लाऊं ये वाले स्वाद, बवाल चीज है ना, अभी तुझे पता पड़ेगा, अभी तेरा तेरा सिस्टम अगर ऐसा हिल जाएगा, अब तेरा पता कब चढ़ेगा, तू रात के 2 बजे तक असर करेगा तेरा, आज यू ना तू सोवे शाम तक, ना शाम को सोवे और घूम तो फिरेगा पूरी दुनिया बाहर, सबसे गंदे प्री वर्कआउट है भगवान कसम, ये बहुत बेकार है। अरे प्री वर्कआउट था तो कौन सा, हैमर सुना है मैंने, हैमर अच्छा है ना, कई कंपनी वाले आके लड़े ना, गंदा था, गंदा है ही भाई, बेकार प्री वर्कआउट भगवान कसम,
कोलैब नहीं करते ना इसलिए प्री वर्कआउट के साथ। हे गाइस तो रिजल्ट के लिए स्टे ट्यून्ड। तो क्या कहते हैं, मैं आपको अपना वार्म अप वगैरह नहीं दिखाऊंगा क्योंकि बट वार्म अप करना चाहिए, आप भी वार्म अप करा करो। वार्म अप करूंगा फिर बहुत बोरिंग हो जाएगा व्लॉग, तो वार्म अप करने के बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और अमन भाई को डेंजर जोन से बाहर निकालेंगे। अमन भाई हो रहा कुछ फिर ना, हो रहा ना अभी 10 वो मार, 10 पुशअप मार नकली, ठीक है नकली बता रहे तुझे आज क्या होगा, कनेक्ट कर जल्दी कर ले। तो भाई इसके बाद अमन भाई का रिजल्ट देखते हैं क्या आएगा आज। देख रहे हो हंसते खेलते जिंदगी है, अभी थोड़ी देर में जड़ जाएगी। सेल्फ स्टार्ट विद सेल्फ डिसिप्लिन सक्सेस। सॉरी लैक्स करेगा तू, लैक्स ही करी तेरी कसम खा रहा हूँ, जब भी तू बच सके आज है ना। चल तो वीक है ठीक है। तो भाई स्टार्ट करते हैं, वार्म अप करते हैं, वार्म अप करने के बाद आपको मिलते हैं सीधा वर्कआउट की साइड। चढ़ रहा कुछ लगा है पता क्या होगा तेरा भी, यू वाला पार्ट ना सुन लो जाओ तेरी करो ना भाई, इससे पता क्या होगा, बस यू वाला पार्ट सुन लो भाई बाकी का अभी ना हो, और तो याद करा मतलब मर जाऊं मैं लाल तो गाइस प्री वर्कआउट लेने से पहले एक बार देख लिया करो प्री वर्कआउट है कैसा। वैसे मैं ये बोलूँगा प्री वर्कआउट वगैरह मत लिया करो, बेकार चीज़ होती है, अपना नॉर्मल चलाओ सब कुछ बड़ी तरीके से, जितना नॉर्मल रहोगे उतना बढ़िया ठीक है। भाई आर पार का पंप है भगवान कसम। तो अभी तो वर्कआउट स्टार्ट करा, लास्ट का पंप देखना उसमें मज़ा आएगा देखना। देख लो अभी वहाँ भी करा है सिर्फ, और तुम्हारे सामने पहला सेट मारा है। तो भाई और ज़्यादा वर्कआउट वीडियो देखने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है अनिकेत यादव 0001_। तो ये दिख रहा होगा आपको ठीक है, जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, प्यार सपोर्ट बनाए रखो। और अब पहले वर्कआउट करते हैं, जल्दी जल्दी मारते हैं क्योंकि फिर और भी बहुत सारे काम हैं आज। तो गाइस एक पार्ट की एक्सरसाइज हो गई हमारी कंप्लीट, एक पार्ट कह रहा हूँ एक सेट हो गया हमारा कंप्लीट, अब दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। कौन सी एक्सरसाइज दूसरी जल्दी बता, यार बता रहा हूँ छोरीबाजी कर रहे हैं दिल बता क्या करूं, बता बता थोड़ी अब डंबल सू यार, इसे मेरी कमर दर्द होने लगेगा, इसको कर लूं केबल सू ही मैं केबल्स करूंगा क्योंकि मेरा ना कमर में दर्द हो रहा बहुत ज्यादा, पहले ना होगी दिक्कत कमर में, केबल चल लूं। चल ठीक है भाई अब बता जल्दी कैसे करनी है। ओके डन, पकड़ना था एक बार
अरे लास्ट मेरा वर्कआउट ख़त्म हो जाएगा ना तो मैं एक ऐसी जड़ी बूटी बताऊंगा 25 दिन में तुम्हारा ट्राइसेप्स डबल, ठीक है? तो व्लॉग लास्ट तक देखना। ओए सन्नी ख़त्म। हाँ हाँ नेक्स्ट बता। हैं हाँ लेट के रोड से और क्या कहते हैं कर्ल रोड या फिर स्ट्रेट वाली जिक्सेक। और मतलब ये वाली नू वेटेड वाली या फिर प्लेट लगा के मारूं? पहले से ले ले फिर प्लेट लगा लियो, मतलब वेट बढ़ा हुआ ना। अरे हल्की हल्की मारनी है, ज्यादा हैवी ना मारनी। तो लाइट से इससे कर लेना 15 20 दो दो इससे कर लूं ना 2 15 2 20 हां 20 इधर है कितने ने 20। ओके तो भाई स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट सेट हमारा 2 किलो से दो अरे तेरी ये तो 20 किलो कह रहा है। अरे भाई ये तो जरा जरा से हैं 2 किलो था ना डूडू ये 20 किलो के हैं। तो 3 एक्सरसाइज हो चुकी है कंप्लीट, अब है चौथी। ओए फोर्थ बता जल्दी बता, अब 1 घंटा सोचा करो। हैं डायमंड पूछो। हेलो लास्ट है लास्ट साइड मारू बस। ओके कितने कितने साइड मारू? 15 15 फोर्स सही है, फोर्स सही है। अब झुको थोड़ा झुको, लेग्स लेग्स वीक है। ये शिकार के टाइम कुछ आ गया सी यार, इसका प्री वर्कआउट असर नहीं हुआ। शरीर बड़ा ना इसका है, बड़ा शरीर है ना भाई तेरा। तुम ज़्यादा महंगे बॉडी बिल्डर हो, हम एंड तनक से में हो जाए। सुन कितने कितने सेट मारूँ? 3 सेट 15 15 बस फिर खत्म। उसके बाद स्टीम बाद कार्डियो कार्डियो नहीं करूँगा मैं, अभी मना कर रखा मुझसे गुरुजी ने, कह रहा तू गेनिंग कर सिर्फ। अभी सुन उसके बाद स्टीम बाद गाइस आज हम तुम्हें नहाते हुए दिखाएंगे। क्या अरे मतलब बॉडी दिखाएंगे, सर भाई की बॉडी दिखाएंगे नहाते हुए। चल मैं कर लूँ है ना भाई, जैसा कि बहुत से लोगों को डायमंड पुशअप लगते नहीं है, है ना? सार पर ना लगते, मैं तुम्हें दिखाता हूँ पहले डायमंड पुशअप करना है। ऐसे करो तुम, ये ऐसे रहे ऐसे रहे, ऐसे तो नहीं है, ऐसे ठीक है। इतनी तो इतनी करो, देखिए सही है ना? हाँ है थोड़ा और आगे लो, आगे वाला सा है पूरा स्टडी पहन पैरगी
स्टीम चल रही है, देखते हैं। उड़ी बाबा रिवाज देख रहा हूँ। हट ठंडा ही पूरा लाइक पूरा देख देख जी भाई। तो व्लॉग तो यहीं तक, स्टीम विस्टीम सब कुछ ले ली। सुनी भाई चल छोड़। भाई देख कच्चा सुखा रहा हूँ मैं, अरे हम दुखा रहे हैं हमें। देखिए ये ठीक है भाई। तो व्लॉग तो यहीं तक, कीप सपोर्टिंग कीप लविंग, लव यू ऑल। ऐसे प्यार सपोर्ट बनाए रखो बढ़िया तरीके से। अब जब बॉडी क्लियर है निकल जाएंगे ना, फिर से जब आएंगे साइज बना के, ठीक है। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट व्लॉग। लव यू ऑल। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। राम राम।